आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अगर पिछले हफ्ते की बात करें या पिछला महीने की बात करें हम, तो काफी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से सभी कमोडिटीज के अंदर हमने एक अच्छा खासा मूव बनते हुए देखा है। खास करके सबसे पहले अगर हम बुलियंस की बात करते हैं, तो बुलियंस के अंदर हमने सोने के अंदर करीबन 0.5% की गिरावट आते हुए देखी है। वहीं चांदी में अगर हम बात करें तो 3% की गिरावट आते हुए देखी है। प्राइजेस खुला तो था 51,725 पे, बट हमने देखा प्राइजेस में एक अच्छा खासा फॉल हमने बनते हुए देखा, जो 50,350 का था, जिस ढंग से पी स्टॉक रशिया और यूक्रेन के बीच में थी। बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल से वापस रिकवर होते हुए दिखाई दिया, जिस ढंग से डॉलर में दबाव या इन्फ्लेशन कंसर्न हम बोल सकते हैं जो बना हुआ था, और जिसके चलते प्राइजेस ने फिर से अपना जो लॉसेस था वो रिकवर करता हुआ दिखाई दिया कोई हद तक। वहीं चांदी की भी बात करें तो चांदी भी गोल्ड को ट्रैक करता हुआ दिखाई दिया, जो लोअर स्टेज पे हम देख रहे हैं तो 65,300 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया, बट क्लोजिंग में हमने प्राइजेस में करीबन 1500 पॉइंट की तेजी देखते हुए 66,750 के करीब की क्लोज दी, जो करीबन 3% की गिरावट है। कहीं ना कहीं डॉलर स्टेबल है, बट इन्फ्लेशन कंसर्न, और जो कल एक अपडेट आया कि यूक्रेन भी रशिया में अब हमला करना चालू कर चुका है, जिसका मतलब है ये लड़ाई और बढ़ती हुई दिखाई देगी। नो डाउट यूएस से जो इकोनॉमिकल डेटा आए थे वो कहीं ना कहीं अच्छे आए थे, जिसकी वजह से भी सोने चांदी पे दबाव था, बट आगे जाकर हमें लगता है कि इन्फ्लेशन कंसर्न है जो सोने और चांदी को सपोर्ट करेगा। तो अगले हफ्ते के लिए रणनीति के लिए 51,200-51,300 के करीब मिले गोल्ड लेके चलिए। ध्यान रखना 52,200 का लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 52,200 का लेवल तोड़ने पे हम 52,600 तक के लेवल गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी के लिए 68,500 का लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूट जाता है तो 70 का भी लेवल क्रॉस कर जाएंगे। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्रूड में हमने 12% की गिरावट देखी, वहीं नेचुरल गैस में 3% की तेजी देखी। क्रूड में हमने देखा कि यूएस ने कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक रिजर्व निकालने की बात की है, जिसके चलते क्रूड में एक जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी। ओपेक मेंबर्स ने भी प्रोडक्शन मई से थोड़े बहुत बढ़ाने की बातें की है, साथ में कोरोना का जो कंसर्न चाइना में बना हुआ है ये ओवरऑल एनर्जी डिमांड को इम्पैक्ट कर सकता है, जिसके चलते भी हमने क्रूड में गिरावट देखी। पर ध्यान रखिए अभी भी रशिया से जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो पूरी तरह से है। इनफैक्ट एक नई चीज ये देखने में मिला है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज को रशिया से तेल और गैस अगर लेना है तो उसे रूबल में पेमेंट करना पड़ेगा या गोल्ड में पेमेंट करना पड़ेगा, जो वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं है, जिसके चलते हमने प्राइजेस के अंदर थोड़ा सा एक रिकवरी भी बनते हुए देखी है, क्योंकि 74.26 से 75.60 का क्लोज दिया है। तो अगले हफ्ते हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट 7500-7400 के नीचे मिल जाए, बट उस गिरावट पे फिर से लेके चलिए। $98 ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल में काफी स्ट्रांग सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल गैस का ये आखिरी मंथ है अप्रैल का, इसके बाद हम देखते हैं समर स्टार्ट हो जाती है, बट अभी भी सप्लाई कंसर्न्स के वजह से प्राइजेस के अंदर तेजी का रुख बना हुआ है, क्योंकि रशिया ने क्लियर कट कहा है कि अगर आपको सप्लाई चाहिए तो हमें पेमेंट रूबल में या गोल्ड में करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं गैस क्राइसिस को और बढ़ावा दे सकता है। तो गैस में भी हमें लगता है कि प्राइजेस अगर 390 या 395 के ऊपर होल्ड है तो हायर साइड में 450 से 470 तक का लेवल दिखा सकता है। अब अंत में अगर हम बेस मेटल की बात करें तो काफी मिला जुला और नेगेटिव भरा हमारा बेस मेटल था, क्योंकि कॉपर की बात करें तो 810 से 830 के बीच में ही ट्रेड किया, फ्लैट स्टोन के साथ ही क्लोज आई है मार्केट में। वहीं जिंक के अंदर 5% की तेजी देखी, जिस ढंग से हमने देखा कि आउटपुट में कमी, सप्लाई डिस्टर्बेंस, ये कहीं ना कहीं मुख्य कारण था जिसकी वजह से जिंक को सपोर्ट मिला और 5% की तेजी हमने जिंक में बनते हुए देखी। वहीं निकल अभी भी अबव ट्रेड में ही है, बट फिर भी 8% की गिरावट दिखाई दी है, क्योंकि वॉर प्रीमियम कम होने की वजह से ये गिरावट देखी है।
एल्यूमिनियम में भी हमने देखा थोड़ा बहुत गिरावट जरूर है, बट बॉक्साइट का जो एक्सपोर्ट पे बैन है ये कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम को भी सपोर्ट करेगा आने वाले दिनों में। बट लेड काफी सरप्राइजली 180 के लेवल से सपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लेड पे ध्यान रखें। तो पूरे बेस मेटल पे ध्यान रखिए। डेटा पॉइंट चाइना से थोड़े बहुत ठीक है, यूएस से ठीक है, जिसकी वजह से उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे डिमांड इंप्रूव होगी, बट सप्लाई डिस्टर्बेंस के चलते पूरे बेस मेटल में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसमें टॉप पिक की अगर बात करें तो जिंक में अभी भी तेजी है जो 370 के लिए लिया जा सकता है, और एल्यूमिनियम 290 के टारगेट के ले सकते हैं। लेड भी अच्छा है बट 190 का लेवल तोड़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।